आज मैं एक नई वीडियो बना रहा हूँ जिसमें मैं आज आपको IHRMS के बारे में बताऊँगा। IHRMS एक पंजाब गवर्नमेंट का सेंट्रल गवर्नमेंट का एक सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है जिसमें सभी एम्प्लॉयज़ की सर्विस रिकॉर्ड की एंट्री होती है। उसमें क्या होता है, अभी आपने जैसे आपकी सैलरी स्टेटमेंट है, आपने लीव्स लेनी है, कोई आपकी ट्रेनिंग हुई है, उन सभी के रिकॉर्ड्स उसमें एंटर होते हैं। फ्रेंड्स, मेनली जो चल रहा है अभी आप सभी को मालूम है, लॉकडाउन का टाइम चल रहा है और सभी को ऑनलाइन ट्रेनिंग, सभी एम्प्लॉयज ऑनलाइन ट्रेनिंग ले रहे हैं जो कि दीक्षा ऐप के ऊपर है। तो उस ट्रेनिंग का जो सर्टिफिकेट जनरेट हो रहा है उसको आपने अपलोड करना है IHRMS में। तो उसका सिस्टम क्या है, हाउ टू अपलोड द सर्टिफिकेट ऑन IHRMS, तो इसके बारे में बताऊंगा। और इसके सेकंड पार्ट में बताऊंगा कि आपने लीव अप्लाई करनी है तो उसको, उस लीव को कैसे अप्लाई करेंगे आप IHRMS के बारे में। और मेरे कई फ्रेंड्स की प्रॉब्लम ये है कि उनको अपने IHRMS का पासवर्ड नहीं मालूम, पासवर्ड भूल गए हैं या फॉरगेट जो भी है लिखा हुआ था वो गुम हो गया है, तो उसको रिकवर कैसे करना है तो उसके बारे में भी बताऊंगा। मींस मैंने इस वीडियो को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है। पार्ट ए में मैं आपको बताऊंगा COVID-19 का सर्टिफिकेट अपलोड कैसे करना है, पार्ट बी में बताऊंगा मैं आपको आपने लीव अप्लाई कैसे करनी है, और पार्ट सी में बताऊंगा कि आपने अपना पासवर्ड रिकवर कैसे करना है। प्लीज़ इस वीडियो को कहीं से स्किप मत करना, अगर स्किप करोगे तो आपको कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन मिस हो जाएगी, तो जिसके कारण आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूँ अपनी वीडियो को। तो सबसे पहले आपने खोलना क्या है, अपना इंटरनेट एक्सप्लोरर खोलना है, गूगल क्रोम खोलो, इंटरनेट एक्सप्लोरर खोलो, कोई भी खोल लो। तो आपने लिखना क्या है, सबसे पहले IHRMS, एंटर प्रेस करो। एंटर प्रेस करने के बाद आपके पास जो खुलेगा IHRMS की एक वेबसाइट खुल जाएगी। फ्रेंड, इस प्रकार का स्क्रीन आपके सामने आएगा जिसमें लिखा हुआ इंटीग्रेटेड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम पंजाब। तो ये पंजाब का है। तो करना क्या, सबसे पहले आपने राइट हैंड साइड के टॉप पे आपके लॉगिन लिखा हुआ है, क्लिक ऑन लॉगिन। लॉगिन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड यहाँ पे फिल करना है और लॉगिन पे क्लिक करना है। और नीचे कैप्चा फिल करना है आपने और क्लिक ऑन लॉग। तो मेरा करेक्ट पासवर्ड मैं फिल कर रहा हूँ अभी। तो ये मेरा IHRMS का इंटरफेस खुल चुका है। जो जो फर्स्ट स्क्रीन आपके सामने आएगी वो इस तरह की होगी। तो क्लिक ऑन माई सर्विसेज एंड सबसे नीचे आपके COVID-19 ट्रेनिंग अंडरटेकन एंट्री। तो वेरी इजी वे है। ट्रेनिंग आपने कहाँ से ली, इंडिया से ली या अब्रॉड से ली, ट्रेनिंग थ्रू फिजिकली है या ऑनलाइन मोड है, मोस्टली दीक्षा ऐप से ली है या कोई वेब लिंक होगा उससे ट्रेनिंग ली आपने, सब्जेक्ट क्या है, टॉपिक क्या था, टॉपिक सबसे सबका है बेसिक हो COVID-19 या जो भी है आपका, वो एंटर कर सकते हो। तो उसके बाद कौन सी डेट से कौन सी डेट तक ट्रेनिंग ली है उसका सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करना है, और आपका जो टेस्ट हुआ था 10 मार्क्स का उसके नंबर 9-10 जो भी आए हैं, और एंटर मार्क्स को ट्रेनिंग बाय ट्रेनिंग जो भी लाइक दिस आपको मालूम है। तो फ्रेंड्स, एक बात ध्यान में रखना कि जो भी आपका सर्टिफिकेट अपलोड होगा वो PDF फॉर्मेट में ही होगा, वो JPEG फॉर्मेट में अलाउ नहीं करेगा, और उसका साइज 1 MB से कम होना चाहिए। क्लिक ऑन दिस एंड सेव, तो आपका सर्टिफिकेट है वो अपलोड हो जाएगा। जैसे ये मैंने सर्टिफिकेट अपलोड किया हुआ यहाँ पे COVID-19 का सर्टिफिकेट, ये हमारा अपलोड हो चुका है। तो अगर किसी को इसके बारे में नहीं मालूम कि आपकी JPG फाइल को PDF में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो ऑनलाइन बहुत से लिंक दिए हुए हैं, तो आप किसी भी लिंक के ऊपर क्लिक करके अपने JPG फाइल को PDF में कन्वर्ट कर सकते हो। बट अगर दीक्षा में आपने ट्रेनिंग ली है तो दीक्षा में जो सर्टिफिकेट डाउनलोड होगा वो आपका PDF फॉर्मेट में ही होगा। तो फर्स्ट पार्ट ये था कि आपने कैसे अपलोड करना है दीक्षा, उसका सर्टिफिकेट आपका COVID-19 का सर्टिफिकेट आपने कैसे अपलोड करना है। तो
ये था सेकंड पार्ट में, मैं शुरू कर रहा हूँ सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में यह क्या लीव अप्लाई करनी है, तो कैसे लीव अप्लाई करनी है, तो क्लिक करो माय सर्विसेज एंड माय लीव सर्विसेज। राइट हैंड साइड पे है आपका माय लीव, अप्लाई लीव ऑनलाइन, क्लिक करना आपने। क्लिक करने के बाद आपके सामने जो इंटरफेस आया वो आपकी स्क्रीन में आपके सामने दिखाई दे रही है। आपका नाम आ जाएगा, आपका कोड आ जाएगा, देन रेगुलर लीव, कौन सी लीव आपकी, मान लो कैजुअल लीव है जो आपकी हर थोड़ी, उसका नाम आ जाएगा, लीव बैलेंस उसने शो कर दिया अभी कितनी लीव बैलेंस है आपके पास, कौन सी डेट से कौन सी डेट तक आपने लीव लेनी है, कौन सी डेट को आप अप्लाई कर रहे हो, और नीचे इसका रीज़न है लीव रीज़न। तो रीज़न देने के बाद आपने यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना है और आपकी हर थोड़ी के पास आपकी लीव एप्लीकेशन पहुँच जाएगी। अगर फ्रेंड्स आप मेडिकल लीव ले रहे हो तो उसका कोई भी डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन है या फिर आपकी हैंडरिटन में कोई एप्लीकेशन है तो उसको भी आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो ब्राउज करके। तो वो दो ही फॉर्मेट में अपलोड होगी, पीडीएफ और जेपीजी फॉर्मेट में। उसका साइज़ 2 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, अगर वो ज़्यादा होगा तो अपलोड नहीं होगा। अगर पीडीएफ में है तो पीडीएफ में अपलोड कर दो, अगर जेपीजी फाइल है तो आप जेपीजी फाइल में अपलोड कर सकते हो। तो ये भी है, आप कैजुअल लीव भी अप्लाई कर सकते हो यहाँ पे, कमिटेड मेडिकल लीव भी है, हाफ पे, अर्न लीव, जो भी आपको लीव चाहिए वो आप लीव यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। देन हमारा पार्ट थ्री। पार्ट थ्री में क्या है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि मोस्टली हम पासवर्ड भूल जाते हैं, क्योंकि हमारे पास कई पासवर्ड होते हैं, तो अगर लिख लें तो बेटर होगा, अदरवाइज अगर नहीं लिखा हो तो भूल जाते हैं। तो उसको रिकवर कैसे करना है, जब आपने लॉगिन पे क्लिक किया तो नीचे सबसे नीचे आएगा फॉरगेट पासवर्ड, आपने इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है, करना कुछ भी नहीं। जहाँ पे सबसे पहले स्टेट है, डिपार्टमेंट का नाम और आपका कोड, कोड फिल करने के बाद सर्च के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपने अपना डेट ऑफ बर्थ और मोबाइल नंबर फीड करना है, आपने मोबाइल नंबर उसी मोबाइल नंबर को फीड करना है आपने जो आपका परमानेंट मोबाइल नंबर है और जो आपने ऑलरेडी यहाँ पे फीड किया हुआ है, ऑलरेडी दिया हुआ है डिपार्टमेंट में। जैसे यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, आपको दिखा रहा हूँ, डिपार्टमेंट का नाम फिल कर दिया मैंने और देन उसके बाद मैंने फिल कर दिया कोड और सर्च। तो मेरा नाम आ गया, मेरा फादर नेम, डेट डेजिग्नेशन और मोबाइल नंबर मेरा आ गया, और इसके बाद डेट ऑफ बर्थ एंटर करना है और मोबाइल नंबर फीड करना है और गेट सिक्योरिटी कोड। उसी नंबर पे आपके सिक्योरिटी कोड आएगा, उसके 8 अक्षर होंगे, 8 लेटर होंगे, तो वो लेटर फिल करने के बाद आप नया पासवर्ड जनरेट कर सकते हो। तो फ्रेंड ये बहुत ही ईजी वे हैं तीनों के, हाउ टू अपलोड सर्टिफिकेट, हाउ टू अप्लाई लीव एंड हाउ टू रिकवर योर पासवर्ड। अगर फिर भी किसी को कोई भी प्रॉब्लम है, अगर किसी को समझ में नहीं आया तो कैसे करना है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख कर मुझे डाल सकते हो, मैं ट्राई करूँगा कि आपका जवाब उसी कमेंट में दे दूँ या फिर उसके ऊपर मैं एक नई वीडियो बनाकर आपको शो कर दूँ। और फ्रेंड्स अंत में यही बोलूँगा कि प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, जिन्होंने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दो, लाइक करो, शेयर करो, और सब्सक्राइब करने के टाइम बेल आइकन को दबाना मत भूलना, क्योंकि हम जो जो नई वीडियो बनाते हैं उसका सबसे पहले आपको उसका बेनिफिट हो। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।